हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे? तो आप हमारे चैनल हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम जा रहे हैं सहागलों में, मतलब पूजा है, ये आषाढ़ की पूजा हो रही है। तो यहाँ हवन हो रहा है, तो हमारे यहाँ दीदी हैं बड़ी वाली, उनके यहाँ हवन हो रहा है। तो हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हवन कैसा होता है और पूजा कैसी होती है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो हम चलते हैं, तैयार हो गए हैं। अब हम वहीं के लिए जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं। और धूप काट भी चुकी है, मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना भी जा रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये पूजा है हमारे, और बड़ी दीदी हैं, उन्होंने बुलाया है, तो जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। वो यही कहेंगे कि आ नहीं रही हैं, और काफ़ी धूप हो गई है, धूप में मन भी नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, बहुत धूप हो गई है और सड़क भी देखो कितनी ख़राब है, पैदल चलने में बहुत मुश्किल पड़ रही है, और यहाँ गाड़ी तो आ नहीं सकती है कि हम गाड़ी से चले जाएं, इसलिए जा रहे हैं। अब वो बस्ती में रहती हैं, वहाँ बहुत रास्ता ख़राब है, बारिश की वजह से, बारिश हो गई ना इसलिए बहुत ज़्यादा रास्ता भी ख़राब हो गई है, कीचड़ ज़्यादा हो गया है। तो हम जा रहे हैं रास्ते में, बहुत ज़्यादा धूप है, धूप में आँखें भी हमारी तिलबिला रही हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं। मन हो रहा है महाराज के मछा मुझे जरूरी है, आसान लगा लियो बिछुए। करो बैठो, देखो डर पाया या तीन या सात बैठ जाओ और का। जब के भगवान छह जाने हुआ जी, हमारे सुंदर भाई दो एक बुढ़िया को बैठा लो, बैठ जा सात जने हो जाओ, पाँच या सात या नौ या ग्यारह ऐसे हुए, सात जने हो गए। भगवान की वहाँ से बना ओम श्राय स्वाहा स्वाहा।
साक्षाय नमः पुनर्द्वा निदयाय स्वाहा सहस्राय स्वाहा कौशल्याय स्वाहा सोमाय स्वाहा लक्ष्मीहस्ताय स्वाहा चंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा शनि स्वाहा केतवे स्वाहा। तो तुम कर लो हवन सोलह देवी का। अच्छा भी आवाहन कर रहे हैं लक्ष्मी जी का हो गया, सोलह देवी का करना। चलो चलिए गणपति स्वाहा और या स्वाहा घंटी नहीं आ बजा।